चैनल डीप्स ब्लॉग। आई नो कि पहले मेरे डेली ब्लॉग्स आ रहे थे और अभी मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ा सा स्टक हूँ, जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। तो अभी वीकेंड्स पर ब्लॉग आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब कोशिश करते हैं कि वीकेंड्स पर मैं एक ब्लॉग एटलीस्ट डालूँ जिससे कि मैं आप लोगों से कनेक्टेड रह पाऊँ। सो कि आज है संडे और संडे इज द फन डे, राइट कृषि? और अगर ये स्कूटर थोड़ा सा, मैं यही बोल रही थी कि तो आप गिर जाओगे, यही बोल रही थी मैं आपको, बोलने ही वाली थी उससे पहले आपका साथ कांड हो गया। तो क्या है संडे का रूटीन? संडे का रूटीन सोचा है हमने। संडे को मैंने सोचा है कि हम जाएंगे जिम करने के लिए, है ना? आप चलोगे? ओके। तो वैसे मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ जिम ज्वाइन कर लूँ। एक्चुअली हम 12th फ्लोर पे हैं और ऊपर 14th फ्लोर पर ही जिम है, तो सोच फ्री ऑफ कॉस्ट है और पास में है, तो सोच रहे थोड़ा सा फ़ायदा उठा लिया जाए। तो देखते हैं, आज मैं जाने की सोच रही हूँ तो जा पाती हूँ कि नहीं, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आगे ब्लॉग में। और वैसे मुझे यार पता नहीं, लोगों को नहीं लगता कि मैं पतली हो रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इंटरनली कि मेरा वेट कम हो रहा है ना कृषि? हाँ तो बढ़ाते अपने ब्लॉग को आगे और दिखाते हैं कि हम जिम जाते हैं कि नहीं और दिन में क्या क्या करते हैं, है ना कृषि? और हाँ आज वर्ल्ड कप भी है, सो चीयर फॉर द टीम इंडिया। इधर आके बोलो, कौन जीतेगा? इंडिया। अपनी छत पे और जिम के अंदर, तो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी जिम। जो जिम तो देखिए बाहर का नज़ारा, और ये है हमारी जिम। अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं सूज भी नहीं लाई, तो अभी मैं घर जाऊँगी तो सूज भी अपने वापस लेकर आऊँगी। और मेरे से बस इस पे थोड़ा सा दौड़ा गया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं। और यहाँ से दिखता है अहमदाबाद का एक अच्छा सा व्यू, देखते रहो बढ़िया, पूरे कर्टेंस हटा के। तो भाई देखो, जिम तो हमारी अच्छी है पर हम कितना अच्छे से इसको यूज़ कर पाते हैं ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, सो मेरे से बस ट्रेडमिल पे थोड़ा सा दौड़ा गया, उसके अलावा मेरे से कुछ नहीं हुआ। एक तो देखो मेरे शोल्डर में थोड़ा सा पेन है जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो रात को भी मेरे बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैंने बस थोड़ी सी ट्रेडमिल पे चलने की कोशिश की, जिसमें भी मेरा इसमें पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी आज एक दो दिन के लिए तो स्किप करते हैं, लेकिन मैं आऊँगी एटलीस्ट, इस ये नहीं कर पाऊँ पर कुछ तो करूँगी। तो बस आज के लिए इतनी ही जिम है। मैं आई थी 10 बजे और अभी बज रहे 10:30, वीडियो फोटोशूट सब करने के बाद चलो चलते हैं। नहीं देखकर अब से मैच देखा नहीं जा रहा था, तो हमने सोचा कि घर के रोज के काम भी थोड़े बहुत कर लिए जाएं। और ये करने के लिए सबसे पहले हम चले गए दूध देने, और ये कपड़े पूरे बिल्डिंग के यहीं जमा कर दिए हैं, और ये दिवाली की कुछ लाइट जो अभी तक लगी हुई हैं। तो बहुत
बुरा लग रहा है, पर इट नॉट सपोज टू बी, जैसे कि हमारे इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने बोला। और जब वो रोए थे वो मोमेंट लिटरली ऐसा था कि मेरे को उस टाइम खुद पे भी कंट्रोल नहीं हुआ, मैं भी बहुत रोई। क्योंकि सुबह से ना जहाँ मैं रह रही हूँ अहमदाबाद में, वहाँ से मोटेरे या 1 या 2 किलोमीटर है, यानी कि हमारी बिल्डिंग के जस्ट पीछे है, तो जो इस पूरा दिन जो माहौल था, जितना जश्न था, हर जगह ब्लू 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 ब्लीडिंग ब्लू वाली चीज़ थी। और सुबह एयर शो हुआ, वो भी हमारी बिल्डिंग के ऊपर था, तो वो देखा। और पूरा दिन जो चहल पहल थी वो सब देखने के बाद, जब इंडिया फाइनल हारी और जिस टाइम वर्ल्ड कप को जो कप था वो ऑस्ट्रेलिया को दिया, नरेंद्र मोदी उनसे मिलने आया, वो वाली आतिशबाजी भी हमने देखी अपने यहाँ से, मतलब दिख रही थी, देखी क्या, तो बात नहीं, हमारी इंडिया बहुत अच्छा खेली है। 9 के 9 वर्ल्ड कप के 9 मैचेस वो बहुत अच्छा खेली है। एवरी प्लेयर, चाहे वो रोहित शर्मा था, चाहे वो विराट कोहली था, चाहे बुमराह, शाह, मिश्रा, जो भी थे, बस सबने बहुत अच्छा किया। सो डोंट गिव एनी हेट टू एनीवन, डोंट बिलीव एनीवन, बिकॉज टीम बहुत अच्छा खेली है। इट्स अ गेम, नहीं हुआ, इट्स नॉट सपोज टू बी, सो इट्स ओके, ऑलवेज ब्लीडिंग ब्लू फॉर एवर, सो इट्स ओके। और इसी के साथ करते हैं अपने आज के ब्लॉग को ख़त्म। तो बाय बाय, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।